हम सीखते हैं HP 6300 का मदरबोर्ड नो डिस्प्ले में होता है, तो उसमें बिहाइंड द सीन क्या रीज़न होता है, और डीबग कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास डीबग कार्ड में 2020 रैम लगाने के बाद जो एरर आता है, डिस्प्ले नहीं आता है, 3636 पे स्टक हो जाता है। तो ये स्पेशली यहाँ पे पार्ट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोडिंग 5555 पे आ जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं आएगा। मैंने केबल भी लगा रखा है VGA, बट डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इसके बिहाइंड द सीन रीज़न क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं। सबसे पहले आप प्रोसेसर देखिए, कौन सी है, सेलरन की है, पेंटियम भी होता तो भी आ जाता डिस्प्ले। तो ये जो प्रोसेसर हमारा लगा हुआ है ये फॉल्टी, मतलब सपोर्टेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जब तक ये लाइट नहीं बंद हो जाती तब तक हम मदरबोर्ड को प्रोसेसर नहीं रिप्लेस करेंगे, ठीक है, मदरबोर्ड में। तो अब हम जो प्रोसेसर लगाएंगे वो 2320 की है, ये हमारा गुड है सेटअप की है, तो हम इसको लगाएंगे। अब ऑन करेंगे यहाँ से पावर लगा के, तो ये स्टेप आप ज़रूर सीख लीजिए। और एक और टेक्निकल रीज़न बताऊँ, देखिए यहाँ पे कोडिंग 5555 ओके, बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, अब रैंक बदल के देखते हैं, देखा था आपने सेम कोडिंग आया था बट डिस्प्ले नहीं है, पियर हो रही है, ओके। तो ये जो 6300 का जो मदरबोर्ड होता है उसका जो ये चिप होती है, बायोस चिप होती है ये वाली, ये 16 पिन का होता है और 62 से वो होती है जो 8 पिन का होता है। ये देखिए कोडिंग 3636 पे स्टक हो गया और यहाँ से आगे बढ़ा 20 पे आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो कंडीशन है अभी आप देख सकते हैं, ये बायोस करप्ट का कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे बायोस चेंज करेंगे। तो बायोस चेंज करके आपको दिखाता हूँ, जो हमारा कोडिंग है वो बदलना चाहिए, बदलता है कि नहीं वो देखेंगे लाइव। जो हमारा सस्पेक्टेड है वो बायोस में है, ठीक है, बायोस हम रिप्लेस करेंगे बायोस चिप। तो पहले हम कैमरे को माउंट कर लेते हैं अच्छे से, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमारा बायोस चिप है, ये वाली, इसको हम बदलेंगे। तो रैम निकाल लेते हैं जो हॉट आइटम है ख़राब होने वाली, ठीक है, और SMD की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम चाहे तो इसे प्रोग्राम कर सकते हैं या तो आपके पास कोई और डिफेक्टिव पड़ा हो तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए आसानी से निकल चुका, ये हमने यहाँ पर रख दिया। और दूसरा स्क्रैप मदरबोर्ड लेंगे जिसका ये कॉर्नर टूटा हुआ है, ये देखिए यहाँ से डैमेज है, तो इसका हम बायोस लेंगे। ये देखिए बायोस, तो इसका हम निकाल लेते हैं डोनर बोर्ड से, उसके बाद हम प्लेस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे टेक्निकल वीडियो हम बनाते रहते हैं अलग अलग प्रॉब्लम के। तो और भी हम वीडियो बनाते हैं प्रिंटर सर्वर वर्क स्टेशन से रिलेटेड, तो और भी हमारे आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमने बायोस निकाल लिया है और वापस हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। लगाने के बाद आपको ध्यान से सोल्डरिंग करनी होती है। ठीक है, बायोस हमारा प्लेस हो चुका है, अब हम थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेंगे इससे, जिससे कि हमारा कनेक्टिविटी अच्छे से बन जाए। सोल्डरिंग है, फ्लक्स लगाएंगे थोड़ा सा जिससे अच्छे से सोल्ड हो जाए। तो फ्लक्स भी अच्छी क्वालिटी यूज करना चाहिए आप।
तो हमने ये लगा लिया और पिन भी सोल्ड कर लिया अच्छे से। अब एक बार आप डीबग कार्ड को देखते हैं और बोर्ड ऑन करके देखते हैं, ठीक है। कनेक्शन को हम दोबारा इस्टेब्लिश कर देते हैं और ये जो हमारा कनेक्शन कंपोनेंट है इधर उधर बिखरा हुआ है उसको हम सही से लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे ऑन करके कि डीबग कार्ड का स्टेटस क्या है। तो ऑन कहाँ से होता है, यहाँ से ऑन होता है, टच करेंगे तो ऑन हो जाएगा। देखिए 2222 आ गए। अब इस पर हम रैम लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर रैम लगा के देखेंगे इस स्लॉट पे, किसी स्लॉट पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम कोडिंग देखेंगे सीधा, यहाँ पे देखिए 4F9A कोडिंग बदल चुका, स्टक नहीं हुआ हमारा डेटा। और डिस्प्ले देखिए हमारा जो स्टोरेज फुल हो चुका था, वीडियो डिसकंटिन्यू हो चुका था, तो देखिए हमने बायोस जब हमने रिप्लेस किया ऑन किया तो नंबर हमारा चेंज हो चुका, देखिए बदल चुका 6262, और हमारा डिस्प्ले भी यहाँ पे आ जाएंगे HP लिख के। तो देखिए हमने इस प्रॉब्लम को बायोस चेंज करने के बाद हमने फिक्स कर लिया। तो रियल टाइम क्लॉक पावर लॉस का एरर दे रहा है जो कि हमारी बैटरी ख़राब हो सकती है, तो हम इसे चेंज करेंगे। और देखिए हमने कोडिंग यहाँ पर बदल चुका, जो 2020 पे स्टक हो जा रहा था और 3636 पे वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है, वो बायोस की प्रॉब्लम थी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो देखने के लिए शेयर कीजिए।